दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ा, मैगी के पकौड़े। ये मैगी के पकौड़े बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है दोस्तों, और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजीली बन जाता है। और मैगी के पकौड़े बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आते हैं दोस्तों। और एक तो बारिश का मौसम है, बरसात में, और नॉर्मली बड़े बड़े बच्चे बूढ़े सबको मैगी बहुत पसंद आता है। मैगी के पकौड़े, एक्चुअली पकौड़े पसंद आते हैं हर किसी किसी भी चीज़ का पकौड़ा, चाहे वो ऑनियन का पकौड़ा हो, बटाटे का पकौड़ा हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो सबको बहुत ही पसंद आता है। और हालांकि मैगी बच्चे बूढ़े सबको पसंद आते हैं, तो मैगी से बने हुए पकौड़े सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज मैंने इसीलिए इस बारिश के मौसम के लिए मैंने पकौड़ा मैगी का बनाया है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और ज़रूर घर पे बनाइएगा, देखिएगा दोस्तों कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार बना है ये। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि, और वीडियो के सामने सब्सक्राइब बटन के सामने एक बेल के आइकन है, आप उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले बाकी मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी के साथ हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैगी का पैकेट हम फाड़ेंगे। मैगी का पकौड़ा बनाने के लिए हम उसको फाड़ कर, और मैंने इसमें हाफ हाफ कप पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पकाना है, 80% हमें पकाना है मैगी को। तो मैंने पानी को चढ़ा दिया है और मैगी को हमने इस तरह से तोड़ लेना है, ठीक है, इस तरह से तोड़ लेना है। और उसके साथ ही हमें मैगी का जो मसाला है साथ में मिलता है, पाउच मिलता है, वो भी हमें उसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से हमें हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको चला लेना है। 80% हमें इसे पकाना है, पूरा पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, क्योंकि पकोड़े के लिए दोस्तों हम जो मैगी जितना कम पकेगा उतना अच्छा है, ज़्यादा पक जाए तो फिर वो अच्छा पकौड़ा बनेगा नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमें इसे धीरे धीरे से चलाते हुए पका लेना है, ठीक है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। तो ये हमारा मैगी बनकर तैयार है, देखिए 80% कुक हो चुका है। तो इतना ही हमें पकाना है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको दूसरे प्लेट में हम इसको पलट लेंगे। तो चलिए हम पलट लेंगे। मैगी हमारा ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, तो इसको हम बॉल में ले लेंगे, ठीक है। तो हम बॉल में ले लेंगे, इसके बाद हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक पैकेट मैगी हमने यूज़ किया है, इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे डालेंगे वो ये हमारा कैबेज, ऑनियन, कैबेज और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची, कांदा, और मैंने पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक काट लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता, कोथमीर को मैंने इस तरह से काट के रखा है। ये सूजी है, मैंने 2 चम्मच सूजी लिया है। ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये बहुत तीखा है इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है। और इसमें है 1/2 टीस्पून नमक है, आप नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैगी मसाले में ऑलरेडी पहले से नमक होता है इसमें। और हमें ऐड करना है ये बेसन, 2 टेबल स्पून हम बेसन भी इसमें ऐड करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए हम फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मैगी थोड़ा सा गर्म है, इसे हम ठंडा होने देते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड। तो मैगी हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। हमने नमक ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी से इसमें नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैगी में ऑलरेडी नमक होता है। मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें, ठीक है, इसमें मिर्ची पाउडर ऐड किया हमने, और सूजी ऐड कर लेंगे, रवा, सूजी ऐड किया मैंने इसमें, 2 टेबल स्पून सूजी ऐड करना है, 2 टेबल स्पून हमें इसमें बेसन ऐड करना है, ठीक है। और अब हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, हमने जो वेजिटेबल कट करके रखा था ये वेजिटेबल को हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे वेजिटेबल ऐड कर दिया है, और अब कोथमीर ऐड कर देंगे थोड़े से, क्योंकि कोथमीर का जो फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छा आता है दोस्तों, तो उसमें कोथमीर ज़रूर डालेगा। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं।
ये बैटर रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, 1 से 1/2 टीस्पून हम इसमें। तो पानी ऐड करने का मतलब ये है कि इसका जो बैटर हम जब तेल में हम इसको फ्राई करने के लिए देंगे, तलेंगे करेंगे, तो ये छूटेगा नहीं, चिपका हुआ रहेगा पानी की वजह से, और ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसको तलने की तैयारी करते हैं, फटाफट गैस ऑन करते हैं और तेल गर्म करते हैं। तो तेल हमने गर्म करने चढ़ा दिया है दोस्तों, तो अब हम चेक कर लेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बैटर हम लेंगे और डालेंगे, तो बबल आने लगा है, मतलब ये गर्म हो गया है, गर्म होने लगा है। थोड़ा सा हीट हमें और करना है इसको, ठीक है। जब ये अच्छी तरीके से हीट हो जाए, देखिए बबल बहुत अच्छी तरीके से आने लगे हैं, तो हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम कर देंगे, ठीक है। मीडियम करके हम पकौड़े अब इसमें डालते जाएंगे फटाफट। तो चलिए हम पकौड़े डालते जाते हैं फटाफट। हमने सारे पकौड़े रख दिए तलने के लिए, अब उसको हम इस तरीके से पलट कर देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा थोड़ा सा पानी ऐड करने की वजह से ये छूटा नहीं है, अच्छे से ये चिपका हुआ है, देखिए। और एक साइड से हमारा बन चुका है, ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको पलट कर अच्छे से पका लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने पलट लिया इसको, ये देखिए। तो अब दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इसको पकाएंगे, ठीक है। तो इसको पकने देते हैं। हमारा पकौड़ा तैयार है, आप देख सकते हो, वाह कितना अच्छा कलर आया है, देखिए। ये देखिए हमारा पकौड़ा, क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे बनकर देखिए तैयार है। ये देखिए इसका कलर, वाह बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है दोस्तों। आप लोग प्लीज प्लीज जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाएगा, और ये चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा तेल निकाल लेते हैं, तो बाकी का भी हम फटाफट तल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा पकौड़ा, मैगी पकौड़ा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, देखिए कितना टेस्टी है, कितना क्रंची बना हुआ है ये, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको चाय के साथ, स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, और कोई मेहमान आए तो उसकी उसको एक स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया दोस्तों। सिर्फ आप अगर वेजिटेबल काट कर फ्रिज में रख दें तो और जल्दी बन सकता है। तो ये है हमारा मैगी पकौड़ा, तो आप भी बनाइए और खाइए, अपनों को खिलाइए और खुश रहिए, और मेरी वीडियो को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे इसी तरीके से हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप अपना सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा पकौड़ा। तो तैयार है आपका मैगी पकौड़ा, ये देखिए मैगी के पकौड़े, ठीक है। तो ये है हमारे मैगी के पकौड़े, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और आसान रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, और बहुत ही जल्द एक नए वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।